लड़कियों के बाद पाकिस्तान में हिंदू छात्रा का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। इस्लामाबाद, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दो सिख लड़कियों का अपहरण कर धर्म परिवर्तन के बाद अब एक हिंदू लड़की के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है। सिंध प्रांत में 29 अगस्त को बीबी स्टूडेंट कॉलेज के लिए निकली, लेकिन घर लौटकर नहीं आई। इसके बाद उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। लड़की के क्लासमेट पर अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की का अपहरण उसके क्लासमेट बाबर अमान ने किया है। बाबर के साथ पीटीआई के सदस्य मिर्जा दिलावर बेग भी शामिल है। दोनों ने मिलकर लड़की का अपहरण किया और जबरन उसका धर्म परिवर्तन भी कराया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लड़की को अपहरण के बाद पीटीआई कार्यकर्ता के सियालकोट स्थित घर में रखा गया। वहां जबरन उसका निकाह बाबर अमान से किया गया और उसका धर्म परिवर्तन भी किया गया। पढ़े, पाकिस्तान ने फिर बोला झूठ। सिख लड़की का भाई बोला, ना बहन मिली ना कोई गिरफ्तार हुआ। आरोपी बाबर के भाई को पुलिस ने किया अरेस्ट। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार पुलिस ने इस बीच मामला दर्ज कर लिया है और अपहरण के आरोपी बाबर के भाई को अरेस्ट कर लिया है। अभी तक आरोपी और अगवा की गई लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इस घटना की आलोचना करते हुए पाकिस्तान में काम करने वाले हिंदू संगठन और पाकिस्तान हिंदू पंचायत ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। पाकिस्तान के हिंदू संगठनों ने घटना की निंदा की और पाकिस्तान हिंदू पंचायत ने कहा, 2 महीने में यह तीसरी घटना हुई है। यह पाकिस्तान में रहने वाले सभी हिंदुओं के लिए दुखद घटना है। हम अभी भी शांति से बैठे इंतजार करते रहेंगे, जैसे कोई संत आकर हमारी मदद कर देगा। स्वर्ग से कोई उतरकर हमारी मदद नहीं करेगा। हमें मिलकर अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। ऐप शेयर करें, NBT फेसबुक।